हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जा रही बनाने खाना, क्योंकि अभी नाश्ता सबका हो चुका है और थोड़ा सा आराम करके मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। तो मैं रूम में ज़्यादा बोल के वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि बाहर में सब रहते हैं तभी कोई है नहीं, इसलिए मैं बोल के शूट कर ले रही हूँ, नहीं तो ऐसी आवाज़ में डाल देती हूँ। तो देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी, तो अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। तो बात करके फिर मैं बनाऊंगी। और जा रही बाबू को थोड़ा नहला देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से नहाया नहीं है और ठंडा मौसम है। अभी देखिए यहीं पे खेल रहा है बाहर में। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, तो आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो सब लोग आ गए हैं, तो मैं चुप हो जाती हूँ, खाना बना के मिलती हूँ। बाय। देखिए इधर आलू का भुंजिया बना दे रही हूँ निशिका के लिए, क्योंकि वो हरा सब्जी उतना नहीं खाती है। और आएगी तो दाल चावल आलू का भुंजिया दे दूँगी, चाहे पराठा हो तो वो खा लेगी। तो आलू का सब्जी बहुत पसंद से खाती है। इधर मैं चढ़ाई हूँ चाय, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है। तो मैं अदरक वाला चाय बना के थोड़ा सा पी लूँगी। चाय बना के पीने से क्या होता है, थोड़ा सा गला थोड़ा आराम हो जाता है। और 2-3 दिन से एकदम मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। और इधर आलू का भुंजिया हो चुका है, एक कढ़ाई से पलट जा रहा है। और इधर चाय भी बन के तैयार हो गया, तो मैं पी लेती हूँ। और ज़्यादा गर्म चाय एकदम डायरेक्ट नहीं पीती, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता तो पीती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को चाय। और इधर देखिए बैंगन का सब्जी बन के तैयार हो चुका है। तो ये सब्जी सबके लिए है, तो इसमें आलू नहीं डालनी हूँ, क्योंकि सासू में आलू नहीं खाएगी, तो उनके लिए नहीं डालनी हूँ मैं। और ये सब्ज़ी बस थोड़ा सा और इसको सुखा के उतार दूँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को बैंगन का सब्ज़ी, किसी प्रकार से बना के खाओ अच्छा लगता है। तो बस सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है, खाना सब बन चुका है। और बच्चे लोग बाहर गए खेलने के लिए, तो देखिए आ चुके हैं। तो उन लोग के लिए खाना मैं ले आई हूँ, और मैं भी खाना खा लूँगी। खाना खा के थोड़ा आराम कर लूँगी, फिर मैं बाल में लगाऊँगी तेल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया बाल में तेल लगाई नहीं हूँ। और सर इतना ज़्यादा दुख रहा है कि कुछ भी ना बोलने का मन कर रहा, ना खाने का मन कर रहा। इधर बाबू और निशिका भी खाना खा लेते हैं। तो देखिए शाम का समय, बाल में तेल लगा ली हूँ, तो मैं लगाती हूँ आदिवासी हेयर ऑयल। तो इसको लगाते मेरे को 8 से 9 महीना हो गया, और ये मेरे बाल को बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। तो देखिए इधर पूरे अच्छे से मैं लगा ली हूँ, लगाने और रात भर के लिए रहने दूंगी। तो सुबह मैं इसे शैम्पू से धो लूँगी। तो आप लोग किस तरह से बाल में लगाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग भी ये तेल ट्राई करिए, और अगर सूट करता है तो लगाइएगा, सूट नहीं करता तो मत लगाइएगा। तो एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए।